कामकाज कैसा, सही काम करते हैं? बड़ा जोर कहा वो तो, जोर का है वो तो मरवावा और लोगों को भी इतने जोर कहा वो। अच्छा, हाँ जी। आते जाते नहीं है? आते जाते, वो तो पार्टी बनावा लुगाई घर में बढ़ाया है। जिस दिन से बीजेपी सरकार बनी है, नए से नए कानून चलते आ रहे हैं, कभी नोटबंदी है, कभी कुछ है, लोगों को फकीर बना दिया बीजेपी सरकार से, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं। खेतों में जो परेशानी आ रही है, क्या परेशानी आ रहा है वो बता दीजिए। खेत खेत घूम घूम रहे हैं यार, जानवर पशु ही है। अब किसी के खेत में जाते हैं तो वही लहरमा कहेंगे उटाल देता है, इससे और इसी की सहूलियत होनी चाहिए और कुछ नहीं है हमें पर। एक बल्ब जलने के बावजूद 20-20 हज़ार के बिल आ रहे हैं, ना वॉशिंग मशीन चल रही है, ना कूलर है, ना कुछ है, उसके बिल इतने महंगे हैं, बताओ गरीब आदमी कहाँ जाएगा। हम तो देखो जी, गलत हो बीपी जी या सही हो, हम तो वोट हमारा है उसका ही। साथियों, में बिलाल राजपूत, आप देख रहे हैं TV7 न्यूज हिंदी। देखिए, इस वक्त यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के मुखिया CM योगी जी हैं, तो लगातार हम यूपी के अंदर जाकर जमीनी स्तर से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार ये जनता जो मेरे पीछे है किसको वोट देगी और किस पे थप्पा लगाएगी और शासन की कुर्सी किसके और ताज किसके सर पर रखेगी। ऐसे में गांव के हो या शहर के हो, गरीब कहीं का भी हो, उसको क्या चाहिए होते है? रोटी पानी बिजली टाइम से चाहिए होती, खाना टाइम से चाहिए होता, बाकी और गरीब के हाथ कुछ नहीं लगता है। राजीव तरारा हैं। राजीव तरारा जी कैसे आदमी है, कैसे गरीबों के हित में कैसे? नहीं, काम तो सही कर रहे हैं पर ध्यान नहीं दे रहे ना। काम सही कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे मतलब? हाँ। मतलब जो अभी तक आए नहीं है एक बार भी, इधर को आप पलटे ही नहीं जब से जीते। हाँ जी, उनको लेकर आप ये बताइए कैसे आदमी है, कैसा काम काज है? राजीव तरारा बढ़िया आदमी है, बढ़िया आदमी है। हाँ, काम भी कराया, सड़क बनी है हमारे धनौर से शेरपुर तक। यहाँ के विधायक कौन है? राजीव तरारा। कैसे हैं वो आदमी? आदमी ठीक है, बढ़िया। आते जाते हैं गाँव में? आते जाते हैं। तो अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार चाहते हैं आप? बीजेपी सरकार से कितना खुश है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रणबीर सागर है। मैं बीजेपी सरकार से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये सरकार जो है, इस सरकार ने लोगों को चक्रव्यूह में रच रखा है। जिस दिन से बीजेपी सरकार बनी है, नए से नए कानून चलते आ रहे हैं, कभी नोटबंदी है, कभी कुछ है, लोगों को फकीर बना दिया बीजेपी सरकार से, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। बैठे हैं? हाँ बैठे हैं। वो सही बैठे हैं या गलत बैठे हैं? हाँ, वो अपने हक के लिए बैठे हैं, वो अपने हक के लिए बैठे हैं। अपने हक के लिए बैठे हैं। पैसे वाले हैं। आपके यहाँ मौजूद है भाई, वो कह रहे हैं पैसे वाले किसान है। नहीं, पैसे वाले हो या वो, अपना हक मांग रहे हैं वो। जब पैसे वाले होंगे तो हक के लिए थोड़ी बैठे? नहीं, हक के लिए। हाँ, ये भाई बैठे हैं आपके सामने, कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं, कुछ तो इन्होंने देखा होगा। इन्होंने क्या, हमें नहीं पता इन्होंने देखा या नहीं देखा, बाकी वो अपने हक के लिए बैठे हैं। वो अपने हक के लिए बैठे, अपने हक के लिए, वो तीन कानून तो है उनके लिए बैठे हैं वो, और कोई मुद्दा नहीं है। तो सही बैठे हैं आपके साथ? हाँ सही है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वो, कोई भी अपने हक को लड़ता है। पर पुनः देखिए, सरकार के कुछ आला अधिकारी बता रहे हैं वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी फंडिंग होती है, ये होता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, खालिस्तानी पाकिस्तानी ये कुछ नहीं है, ये गलत है सब, गलत है सब। हाँ, बीजेपी सरकार को लेकर आप क्या कहेंगे कि अब की बार आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, सही है या गलत है? हम तो देखो जी, गलत हो बीपी जी या सही हो, हम तो वोट हमारा है उसका ही, बीजेपी का ही, बीजेपी का है वोट। मेरे कुछ ताऊ जी हैं और जी ताई जी हैं, सभी लोगों से जानेंगे कि वो अब की बार किसको चाहते हैं, क्या परेशानी है। सबसे पहले बताइए, यहाँ के विधायक जी राजीव तरारा जी हैं। हाँ जी, बीजेपी से, उनसे कितना खुश हैं आप? आप, हम तो उनसे खुश ही नहीं है, वो तो इधर का ध्यान ही ना दे रहे, क्षेत्र का ध्यान ना दे रहे, आमे निकले चले जामे, कोई गाँव के लिए कोई सुविधा नहीं करी उसने। पूछते नहीं क्या परेशानी है, कुछ है नहीं, मतलब और आवता विधायक और आप है, वो बूझ के जामे बैठ के भी, क्यों तुम्हारा कोई परेशानी है क्या है? उन जिद्दी से विधायक हुआ, इधर को तो रोड को निकला चला जाता, वो नहीं आता इधर को। आप बताओ क्या कह रही हो? मैंने कह रही भैया, जो गरीब है बिल्कुल है, जो वो तो बेचारा जैसा कैसा अपनी गुजर कर लिया था, ठीक है, अब अरे वो फ्री वो हो रहे हैं, बिजली के वो हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, जिन्होंने जिनके घर में कुछ ना हो उन्होंने भी करवा लिया, और आप करवा लिया तो इतने पैसे होएगे, बताओ तुम। परेशानी ये है, देखो कोई भी चीज़ है, आदमी पहले तो ये गैस कनेक्शन फ्री करा दिए और बिजली के बिल बढ़ा दिए, आदमी को राशन तो मिल रहा है, राशन से थोड़ी काम चलेगा, अब उनके बिल पे कौन करेगा, गरीब आदमी तो बहुत परेशान हो जाएगा। बताइए क्या कर रहे थे? मैं नहीं कर रहा हूँ, एक लिशड़ी गाँव देख रखा राजीव तरारा ने, बस वहाँ आना है और जाना है। कौन सा गाँव? वो है लिशड़ी देहरी। अच्छा। भाई ये दो गांव देख रखे और कोई गांव है ही नहीं उसके लिए। उन गांवों से ऐसा क्या लगा हुआ? हमें नहीं पता उस बात को, वो बताया जाता है विधायक यहाँ नहीं आते ना, हमारे यहाँ नहीं आता बिल्कुल भी। वो मैं ये कह रही हूँ, एक बल्ब जल रहा है, एक बल्ब जलने के बावजूद 20-20 हज़ार के बिल आ रहे हैं, ना वॉशिंग मशीन चल रही है,
ना कूलर है ना कुछ है, उसके बिल इतने महंगे आ, बताओ गरीब आदमी कहाँ देगा। दूसरा वर्ष चल गया लॉकडाउन लगे हुए, समझे मजदूर आदमी भूखा मर गया। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर विधानसभा धनोरा, और धनोरा के एक छोटे से गांव में जहां की आबादी है 1400 से 1500 के समथिंग, और यहां पे मौजूद मेरे भाई हैं, इनसे पूछेंगे कि यहां के मौजूदा विधायक जो है वो राजीव तरारा जी हैं जो बीजेपी से हैं, कि वो इनके हित में कितने अच्छे हैं, उनका कामकाज कैसा है, और अब की बार सरकार किसकी चाहते हैं, विधायक जी को चेंज करना चाहते हैं या सरकार को चेंज करना चाहते हैं। आप हमारे गांव में कोई आज तक काम ही ना आया, विकास ही ना करा कोई। बीजेपी के विधायक हैं कि राजीव तरारा जी, उनका कामकाज कैसा है बताइए। हमें जानकारी नहीं, हमारे गांव में कोई काम ना करा तो हमें जानकारी क्या इस बात की। आपके आपके गाँव में नहीं करा तो कहीं क्या करेंगे, क्योंकि वोट आपसे भी तो लिए। नहीं तो और आगे हमारी क्या जिम्मेवारी है। के विधायक हैं राजीव तरारा जी, उनका कामकाज कैसा। कामकाज उनका हमारे गाँव में तो आते ना, वो हमारे गाँव में तो विपक्ष में है, वो विपक्ष में आते नहीं कभी। हमारे गांव में आते, हमारे गांव में किसी का काम ना करते, एक लड़के का काम करना है बस। राजीव तरारा जी बीजेपी के विधायक यहाँ हैं, उनका कामकाज कैसा, सही काम करते हैं। बड़ा जोर का वो तो, जोर का है वो तो, मरवावा और लोगों को भी इतना जोर का वो। अच्छा हाँ जी, आते जाते नहीं है। आते जाते वो तो पार्टी बनावा लुगाइयों घर में बढ़ाया आएगा, लुगाइयों घर में बढ़ते हाँ ऐसा कराया वो आएगा। तो काम वाज नहीं करते यहाँ पे, इतने आदमी खड़े किसी द्वारा बैठा भी आए लो आएगा। फिर कहाँ बैठते हैं आके। वही एक घर आएगा हमारे जिठोर का गुड्डू का, उसके घर में बैठा है आएगा, उनके घर में बैठते हैं। हाँ गांव ने वोट किसे दिए थे। गांव ने वोट उसे दिए, वैसे हो गया क्या वैसे ही वो। अच्छा, उनको दिया था पर आते नहीं है, काम वाम भी नहीं कराया कभी यहाँ। कितना भी काम ना किसी कटी उंगली में मुताज लो भी। अच्छा ऐसे में मेरे साथ और कुछ लोग मौजूद है जानेंगे इसे। जी भाई आप बताइए, बीजेपी सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। देखो बीजेपी सरकार वैसे तो ठीक ठाक काम कर रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये जो पशु जो इधर उधर घूम रहे हैं बस इनको जो रोकथाम होनी चाहिए। पशु इधर उधर घूम रहे हैं मतलब जो जंगलों में घूम रहे हैं, जो जंगलों में घूम रहे हैं, मतलब जो गाय भैंस वगैरह जो गौशालाएं बना रखी हैं वो गौशालाओं में नहीं खेतों में घूम रहे हैं, खेतों में घूम रही हैं। बीजेपी सरकार को लेकर अब की बार किसकी सरकार चाहते हैं आप। देखो जी ऐसी कोई बात नहीं, सरकार घटिया नहीं है, सरकार तो ठीक है, गलत नहीं कहते हम किसी को। कामों पर ध्यान नहीं दे रही, काम पे नहीं ध्यान दे रही, किसानों पे भी दे रही। खेतों में जो परेशानी आ रही है, क्या परेशानी आ रहा है वो बता दीजिए। खेत घूम रहे हैं जानवर पशु ये, अब किसी के खेत में जाते हैं तो वही लहरमार करेंगे उटाल देता है, इससे इसी की सहूलियत होनी चाहिए और कुछ नहीं है। हमें परेशानी कोई परेशानी आपको नहीं है, गाय वगैरह जो खेतों में घूम रही है इनसे परेशानी। हाँ इसी की परेशानी है, फसलें खराब होती है आपकी। हाँ फसल खराब होती है आपकी। हाँ फसल बेकार हो ही पड़ी है, जो जिसके में पहुँच जाते हैं वही मार कर टाल देता है, तो बेचारा जानवर वो कहाँ जाएंगे बेचारे। हाँ यही परेशानी है ढोरों के लब से, और कोई परेशानी हमें नहीं है। आप बताइए ताऊ, यही दिक्कत है सब किसानों को हमारे यहाँ, कि आपके गेहूं में मतलब खेतों में जाके कोई सी फसल है ये उसको नुकसान पहुंचाती है, उसमें नुकसान पहुंचाती है, और जो हमने डांट दिया फिर दूसरा डांटे उसके बढ़ गया, नुकसान ही होता है जितनी भी फसल है। जानवर मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के राजीव तरारा जी, आपके पीछे भी गांव देखे इसी विधानसभा के, जितने भी गांव आते हैं सबसे आपको मिलवाएंगे, और ऐसा ही जो आप डायरेक्ट आपने सुना इनकी क्या राय है, आते हैं सीधे चले जाते हैं पर जनता के बीच कभी नहीं बैठते, उनकी समस्याओं को कभी नहीं सुनते, पर बीजेपी के विधायक हैं राजीव तरारा जी धनोरा के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, और भी यहाँ के लोगों से आपको मिलवाएंगे। आप देखते रहिए TV7 News हिंदी।